तो स्टूडेंट्स, आज हम इस दुनिया में जो रह रहे हैं उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ह्यूमन काइंड के सामने। स्टूडेंट्स, हम जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं दुनिया में, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, इन सबसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही है। उसमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और खतरनाक प्रॉब्लम है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो क्या होता है ये ओजोन लेयर डिप्लीशन, दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। तो सबसे पहले तो आप देखो कि व्हाट इज दिस ओजोन, ओजोन क्या है। तो स्टूडेंट्स, ओजोन जो है एक पॉइजनस गैस होती है, ठीक है, एक पॉइजनस गैस होती है। आपने इसके बारे में थोड़ा पहले ही पढ़ा होगा। इसका फॉर्मूला होता है O3, मतलब ऑक्सीजन के तीन एटम्स, ऑक्सीजन के तीन एटम्स मिलके इसको बनाते हैं स्टूडेंट्स, फाइन। अब स्टूडेंट्स, ये ओजोन गैस पाई कहां जाती है, तो इट फॉर्म्स टॉप लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। तो स्टूडेंट देखो, ये हमारा अर्थ है और उसमें एटमोस्फेयर है, हवा है उसके अराउंड, तो उसका जो बहुत अपर लेयर है, एक बहुत ही ऊपर एक जो लेयर है उसमें एटमोस्फेयर की, उसमें ओजोन गैस पाई जाती है, ठीक है। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि अर्थ के एटमोस्फेयर में ऊपर एक पूरी कवर टाइप की है ओजोन लेयर की, एक कवर टाइप की ओजोन लेयर की है, ठीक है। अब ये जो ओजोन लेयर है, ये बनती कैसे है एटमोस्फेयर में, कैसे बनती है, तो बड़ा सिंपल स्टूडेंट्स, देखो क्या होता है कि देखो ऑक्सीजन है हमारे एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर क्या है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन, ठीक है। सन से लाइट आती है, ये तो हमें पता ही है, उस लाइट में अल्ट्रावायलेट रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज। इन अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में जो ऑक्सीजन है वो ब्रेक डाउन कर जाता है, तो जो ऑक्सीजन है वो इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज ब्रेक करके ओ प्लस ओ बनाता है, ओ के दो डिफरेंट एटम्स अलग अलग हो गए इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। फिर क्या होता है कि इसमें से एक ऑक्सीजन का जो एटम है वो किसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके O3 बना देता है, विच इज आवर ओजोन। समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल सा है। तो अल्ट्रावायलेट रे जो आ रही है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करती है इस तरीके से, और फिर वो ऑक्सीजन के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके ओजोन बनाता है। तो उस तरीके से अर्थ के एटमोस्फेयर में बहुत ऊपर ओजोन की एक लेयर बन जाती है, ठीक। तो आपको समझ में आई बात स्टूडेंट्स। हालांकि ये ओजोन जो है पॉइजनस है, लेकिन हमें इसे घाटा क्यों नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लेयर जो है बहुत ऊपर है। हम तो अर्थ के सरफेस पे रहते हैं ना स्टूडेंट, सरफेस पे, और ये लेयर बहुत ऊपर है, ठीक है, इसलिए हमें हार्म नहीं है। अगर ओजोन नीचे आ जाए बहुत लार्ज अमाउंट में समहाउ, ठीक है, और हम उसको ब्रीद इन कर लें तो हम डेड हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसलिए इसको पॉइजनस बोला जा रहा है, बट क्योंकि वो एटमोस्फेयर बहुत ऊपर रहती है और हम वहां जाते नहीं है, अब वो नीचे नहीं आती है, इसलिए देयर इज नो प्रॉब्लम, यू अंडरस्टैंड, फाइन स्टूडेंट। तो ये है ओजोन की थोड़ी सी कहानी। अब ये जो ओजोन लेयर मैंने आपको बताया था वो बड़ी यूजफुल होती है, एडवांटेज ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। तो ये अर्थ है, उसके ऊपर ओजोन की जो लेयर है वो हमारे सर्वाइवल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स। देखो, सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती है, ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होती है। इट कैन डिस्ट्रॉय प्लांट्स, प्लांट्स को वो डिस्ट्रॉय कर सकती है। इट कैन कॉज सेवरल डिजीजेस लाइक कैंसर इन एनिमल्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स और बाकी एनिमल्स में भी बहुत सारे डिजीजेस वो पैदा कर सकती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब होता क्या है स्टूडेंट्स, अगर ये ओजोन लेयर ना हो, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो पूरी की पूरी नीचे आ जाएंगी अर्थ सर्फेस पे और प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे स्टूडेंट्स। लेकिन ये जो ओजोन लेयर है ये एक प्रिवेंटिव लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। तो होता है क्या कि अल्ट्रावायलेट रेज जब आती है तो ज्यादातर अल्ट्रावायलेट रेज टकरा जाती है ओजोन लेयर से और वापस चली जाती है, वो अंदर नहीं आ पाती है, सिर्फ थोड़ी सी ही अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो अंदर आ पाती है, तो वो थोड़ी सी उतनी हार्मफुल नहीं होती है। तो इस तरीके से ये जो ओजोन लेयर है वो अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाता है स्टूडेंट्स, वो अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ के सर्फेस तक पहुंचने नहीं देता है इन लार्ज अमाउंट। स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं इसको कि ओजोन लेयर डज नॉट अलाउ लार्ज अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज टू इंटर आवर एटमोस्फेयर एंड दस प्रोटेक्ट्स अस एंड ऑल अदर लिविंग बींग्स ऑन द प्लैनेट, ठीक है स्टूडेंट्स, फाइन। तो स्टूडेंट्स, ओजोन क्या है ये आपको समझ में आ गया, अर्थ पे ओजोन की एक ऊपर लेयर होती है ये आपको समझ में आ गया, अल्ट्रावायलेट रेज को वो डिफ्लेक्ट करती है वो आपको समझ में आ गया। अब ये डिप्लीशन क्या है, डिप्लीशन, तो देखो स्टूडेंट्स क्या है, अगर ये आप अर्थ का मैप लो, ये अर्थ है, ग्लोब है हमारा, तो अंटार्कटिका रीजन के ऊपर ये जो लेयर है बहुत थिन हो गई है। क्यों थिन हो गई ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट अंटार्कटिका के ऊपर ये लेयर काफी थिन हो गई है ओजोन लेयर वाली,
और आर्कटिक के ऊपर भी बहुत ज्यादा थिक नहीं है, बट अंटार्कटिका के ऊपर तो बहुत थिन हो गई है। तो अब अंटार्कटिका के ऊपर बहुत थिन हो गई है तो स्टूडेंट्स क्या होगा, वहां से बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो अर्थ के सर्फेस पे आने लगेंगी स्टूडेंट्स, और उसके आने से एनिमल्स और प्लांट्स और ह्यूमन बींग सबको हार्म होगा स्टूडेंट्स, राइट। सो दैट इज कॉल्ड ओजोन लेयर डिप्लीशन, कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर बहुत थिन हो गई है स्टूडेंट्स, ठीक है, विच इज वेरी हार्मफुल थिंग। अब ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स, दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू। तो स्टूडेंट्स रीजन क्या है इस ओजोन लेयर के डिप्लीट होने का, बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स। देखो आजकल बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, आजकल हम बहुत ऐसे अपरेटस यूज करते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर, एसी, फायर एक्सटिंग्विशर, सेविंग क्रीम्स, ये जो चीजें हैं स्टूडेंट्स, इससे एक कंपाउंड इमिट होता है दैट इज कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैसियस फॉर्म में इमिट होता है स्टूडेंट्स, इसमें क्लोरीन बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है स्टूडेंट्स। तो ये जब इमिट होता है स्टूडेंट तो बहुत हल्का होता है तो हवा में ऊपर राइज हो जाता है ये, ठीक है, और ऊपर जो ओजोन लेयर है वहां तक पहुंच जाता है और इसका जो क्लोरीन है वो ओजोन से रिएक्ट करने लगता है स्टूडेंट्स। तो इसमें जो क्लोरीन है वो ओजोन से रिएक्ट करता है इस तरीके से स्टूडेंट्स, आप समझ लो, इन सब्सटेंसेस से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इमिट होते हैं उसमें क्लोरीन होता है, वो ऊपर जाता है एटमोसफेयर में, ऊपर जाके ये क्लोरीन ओजोन से रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन आता है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हो इस रिएक्शन में क्या हुआ कि ओजोन जो है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गई स्टूडेंट्स। तो ओजोन का अमाउंट क्या होता जाएगा स्टूडेंट्स, कम होता जाएगा, तो ओजोन लेयर इफेक्टिवली क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स दैट इज द रीजन ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ओजोन लेयर का डिप्लीशन कम करना है, उसको डिप्लीट होने से बचाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इमिट करना बंद करना पड़ेगा, मतलब ये जो डिवाइसेस हम यूज करते हैं वो कम से कम यूज करने होंगे स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो ओजोन लेयर की डिप्लीशन एक बड़ी समस्या है स्टूडेंट्स दुनिया में, और उसको रोकने के लिए दुनिया भर के गवर्नमेंट ने मिलकर कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं स्टूडेंट्स। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर यह है कि 1987 में एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, एक नया प्रोग्राम बनाया गया जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, शॉर्ट में यूएनईपी। इस प्रोग्राम के अंतर्गत दुनिया के सारे डेवलप्ड कंट्रीज ने मिलकर यह एग्रीमेंट किया स्टूडेंट्स कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का प्रोडक्शन वो अपने अपने देश में क्या करेंगे, कम करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत सबने मिलकर ये कसम खाई, मतलब ये एग्रीमेंट किया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमारे कंट्री में कम प्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे स्टूडेंट्स क्या हो गया, डिप्लीशन रीजन जो है ओजोन लेयर का उसकी हालत अब बेटर हुई है। फाइन। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज को व्हाट्सअप और फेसबुक पर शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोज का फायदा उठा सके स्टूडेंट्स, राइट।